हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 7 का जो चैप्टर 10 है हमारा, और उसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 10.4। ठीक है, इससे पहले मैं 10.3 तक कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो उसको, वीडियोस को, और फिर यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ही सेइंग कि कहता कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी गिवन मेजर ऑफ एंगल ए 60, बी की है 30 और ए बी साइड दे दिए। दैट मीन्स यहां पे वो क्या कर रहा है, एंगल साइड एंगल वाली जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन होता था उसको यूज कर रहा है। दैट मीन्स दो एंगल दे देगा और एक साइड दे देगा इसमें, और फिर हमें एंगल्स बनाने हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे को क्या क्या उसने गिवन दिया हुआ है। तो गिवन दिया है उसने 60 डिग्री एंगल ए, बी दिया 30 डिग्री, एंड देन ए बी साइड दी हुई है 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी लाइन होगी ए बी। तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, कितनी है 5.8। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैंने बोल दिया दो बार 5.8, तो 5.8 की बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको पता ही है जीरो से तो ऑब्वियसली शुरू हो गई होगा। ठीक है, अब 5.8 कैसे करना है, अगर किसी को नहीं पता वैसे तो पता होगा, इस क्लास में आ गए। यहां पे आके 5 होता है, 6, 7, 8, तो ऑलमोस्ट यहां पे आके 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को अब मिला देते हैं, पॉइंट का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो वो चलेगा, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप 5.5 बना रहे हो, लिख 5.8 रहे हो। अगर आप 5.7 बना रहे हो या 9 बना रहे हो तो वो चल जाएगा मेरे हिसाब से, तो इतना कोई जाके मेजर नहीं करेगा उसको। तो हमने ये बनाया ए और ये पॉइंट हमने लिया है बी, और इनको मेजर हमारा है ये 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ए के ऊपर कौन सा एंगल बनना है 60 और बी के ऊपर 30। तो हम इन दोनों एंगल्स को बनाते हैं। अब यहां पे आके जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बताया था कि एंगल मेजर कैसे करना है, तो मैंने बोला था आपको हमने सिर्फ नीचे वाले एंगल्स देखने हैं। वो क्यों बोला था, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लेकिन अब मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, क्योंकि अभी कोई और है ही नहीं हमारे पास चीज। अभी हमें ऊपर वाले एंगल्स भी देखने ही पड़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कब मेजर करने और कैसे करने। कैसे तो पता ही है आपको कैसे करने, पर कब करने हैं वो मैं आपको आज बता दूंगा। ठीक है, अभी देखो ए के ऊपर कौन सा बन रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है यहाँ पे। अब मैंने इधर नीचे वाला ही क्यों लिया, मैंने उधर वाला ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ये देखो एक आर्म इधर से आ रही है और दूसरी आर्म इधर से जा रही है, यही वाली हम लेते हैं ना एक लाइन। तो इसीलिए हम एंगल ऐसे देखेंगे और नीचे से बढ़ते हुए, जीरो से शुरू होगा, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट हमारा यहां पे हो, जो आर्म हो वो इधर वाली यूज करें हम, तब हम ऊपर वाले एंगल्स देखेंगे। वो मैं भी आपको बताता हूँ, पहले नीचे वाले तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं नीचे वाला पहले बना लेते हैं, हम ऊपर वाले की बात भी करते हैं इसके बाद जब बनाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट स्टार्टिंग में समझाने के लिए था। तो पहले तो इन लाइनों को मिला देते हैं हम, यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको ले लेते हैं पॉइंट एक्स, राइट, क्योंकि इसके ऊपर आके हमारा सी पॉइंट बनेगा। एक मिनट अगर, तो उसके बाद देखो ये एंगल तो हमें पता चल गया कितना आया हमारा 60 डिग्री। अब हमने एंगल बी बनाना है। ठीक है, अब देखो मैं इसको रखूंगा यहां पे, और अब देखो मैं लाइन कौन सी वाली मिला रहा हूं, ये वाली मिला रहा हूं ना, तो इसलिए मेरी जीरो भी इधर से शुरू होगी। फिर तो ऊपर को जाते 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 अब मेरे को 30 डिग्री चाहिए, तो 30 डिग्री मेरा यहां पर बन रहा है, तो उसको मैं बना लेता हूं यहां पर। ये बना ही नहीं यार, पेन के साथ बना लेते हैं, दिख भी जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट यहां पे बन जाएगा, और अब हमारा काम क्या है, इन दोनों को मिलाना। तो इन दोनों को मिला देते हैं हम, बी और उसको, तो ये हमारा हो जाएगा वाई, और ये हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट सी। इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारी ट्राइंगल बन गई। ये हमारा एंगल कितना था 30 डिग्री, ये था हमारा 60 डिग्री,
और ये हमारी क्या बन गई, ट्राइंगल एबीसी जो उसने बनाने के लिए बोला था। अब हम लिखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने करी थी स्टेप वन जो हमारा था, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, यही हमने करा था इसमें। उसके बाद जो हमारा स्टेप टू था, ठीक है, स्टेप टू में हमने करा था ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन एंगल स्टेप टू जो है ड्रॉ एन एंगल वाई, ये वाला हमारा था, नहीं ये वाला था हमारा, इधर से देखो अगर ये वाला था एक्स ए बी, तो उसको करते हैं एक्स ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री विद दी हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने बनाया, और स्टेप थ्री में भी हमने यही करा सेम, ड्रॉ एन एंगल ऑन या एट बी, इस बार हमने बी पे बनाया था, ठीक है, एंगल वाई बी ए, वाई बी ए बनेगा अब क्योंकि वाई से बी से ए, ठीक है, यहाँ पे चलो वो आप पीछे से देख लेना वीडियो पीछे करके, और आप बना के खुद रफ में रख लेना, आपको पता चलता रहेगा। तो वाई ए बी ए हमने बनाया था 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद स्टेप जो हमारा फोर होगा वो क्या होगा, ठीक है, स्टेप फोर हमारा क्या है ये देखो, स्टेप फोर में हम लिखेंगे कि एक्स ए एंड वाई बी कट सेट पॉइंट सी, बस इतना सा काम है और हमारी ये कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगी। वाई बी एंड एक्स ए कट्स एट वर्टेक्स या पॉइंट सी, ठीक है, सी के ऊपर वो कट कर रहे हैं, दैट्स इट, यहां पे हमारे बन गए, विच इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, दैट्स इट, ठीक है। तो इजी सी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, कुछ उसमें होच पोच सब कुछ नहीं करना, जस्ट हमने एंगल ड्रॉ करा तो हमने एंगल लिख दिया कौन सा करा है, बस दैट्स इट, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आपने लिखना हर बार लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, तो करते हैं उसको। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। पी क्यू उसने दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर, फिर एंगल दे देगा पी के ऊपर, पी क्यू आर दे दिया उसने, तो एंगल पी क्यू आर उसने दे दिया है हमें 105 डिग्री, एंड एंगल क्यू आर पी हमें उसने दे दिया 40 डिग्री, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं हम फटाफट से, टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पी क्यू ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर, उसको थोड़ा सा नीचे करके बना लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके वो जाएगी यहां तक, इसको अब करते हैं हम ड्रॉ, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, पी क्यू, तो ये आ गया पी क्यू, तो ये हमारी साइड ड्रॉ होगी पी क्यू, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इनके ऊपर एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो अब आप देखो, एक आपको दिया है पी क्यू आर, तो दैट मीन्स पी क्यू आर, तो एक यहां पे बनेगा क्यू आर पी, क्यू आर एंड पी, ओके। तो इसमें उसने क्या कर दिया, हमें क्यू आर पी दे दिया एक, तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें आर पी क्यू एंगल जो है पहले वो ये वाला आर पी क्यू, क्योंकि हमारे पास वो साइड नहीं आ पाएगी इसके इसके कारण, अगर हम ऐसे उसको ड्रॉ भी कर दे नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं पहले उसको, जितना दिया उतना तो करें हम ड्रॉ, ठीक है। अब देखो जो पी क्यू आर जो एंगल दिया हुआ है वो हम पहले ड्रॉ करते हैं 105 डिग्री, तो यहाँ पे एक कंपस रखी हमने और प्रोटेक्टर रखी यहाँ पे, एंड इसको रखा यहां पे, राइट।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर इधर से जा रही है तो हमने जीरो इधर से देखना है, तो हमें कौन सा एंगल बनाना है अब 105, तो 105 बनेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 105 और हम ड्रॉ करते हैं। इसको इसके साथ मैच कर मिला देते हैं बस। अरे आपने नीचे बना दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या बनी है साइड हमारी, ये अभी साइड वो वाली नहीं आई है जो हमें एक्चुअली में चाहिए। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं पॉइंट y। तो ये एंगल हमारा क्या बन गया y q p, कौन सा एंगल है ये 105 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, उसने कौन सा एंगल दिया, जो एंगल दिया हम वही बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे QR तो हमारे पास पॉइंट ही नहीं है, हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हमें एंगल P फाइंड करना पड़ेगा। तो वो हम काम करते हैं इसमें यूजिंग, पहले ही उससे पहले ही आपने कर देना जब सम शुरू करोगे उससे पहले, कंस्ट्रक्शन उसके बाद ही आएगी फिर से। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस, अब थर्ड एंगल क्या बचा, आर पी क्यू या क्यू आर क्यू पी आर 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया है 105, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, क्यू आर पी की वैल्यू डाल देंगे और ये हमें फाइंड करना है। अरे यार इसके ऊपर मैंने, चलो कोई बात नहीं, ये लाइन वैसे भी उधर को ही जाएगी 180 डिग्री। तो अब हमारा एंगल आर पी क्यू किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री माइनस, ये कितना बन जाएगा 145 उधर जाके माइनस। तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा अराउंड 35 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास ये भी एंगल आ गया, तो एंगल ड्रॉ कर दो, दैट्स इट। अभी हमें सिर्फ एंगल ड्रॉ करना है। अब हम फिर से देखो लाइन चेंज कर रहे हैं, आर्म्स दोनों चेंज कर रहे हैं, तो हमें एंगल भी उस हिसाब से लेने हैं। तो अब हम नीचे वाले एंगल देखेंगे, तो 35 डिग्री आएगा यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा लिखें, बड़ा कर देंगे ताकि ये काट के जाए उसको। तो ये हम मान लेंगे इसको x, और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है r, ये वाला जो एंगल बना हमारा 35 डिग्री। अब ये वाला एंगल आप मेजर कर सकते हो, ये आपका क्या आएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब इसको मेजर करने का तरीका क्या है, फिर चेक करने के लिए जस्ट कि हाँ भी हमने सही भी करा है काम के नहीं, पहले तो इसको पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं जहाँ पे ये कट कर रहे हैं, अब उसके बाद देखते हैं। ओके है, तो अब आप देख सकते हो ये लाइन कहाँ से पास होके जा रही है, 40 डिग्री से पास होके जा रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एंगल कौन सा है, 40 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो 40 डिग्री, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब हमारी बारी आती है कंस्ट्रक्शन करने की, तो अब हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। स्टेप वन हमारा क्या आएगा, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेप टू। स्टेप टू में हमने क्या करा था, एंगल जो था हमारा वाई क्यू पी ड्रॉ करा था, ड्रॉ एन एंगल एट क्यू, कौन सा एंगल है, वाई क्यू पी इज इक्वल टू 105 डिग्री with the help of protector। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेप थ्री, सेम अगेन। ठीक है, ड्रॉ एन एंगल एट, इस टाइम हम पी पे ड्रॉ करेंगे, जो हमारा एंगल आया था एक्स पी क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री, राइट। फिर अगेन आप लिखोगे विद द हेल्प ऑफ,
नेक्स्ट जो हमारा स्टेप 4 है वो हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्स पी एंड वाई क्यू कट्स ईच अदर एट आर, विच इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल पी क्यू आर। यही हमें रिक्वायर्ड थी, हमने फाइंड करके दे दी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इजी है। अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी आती है तो, अदरवाइज नहीं है तो। एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल डी ई एफ, कहता है एग्जामिन करो पहले तो कि कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सच दैट ई एफ, तो हमें ई एफ दे दिया उसने 7.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एंगल ई विच इज इक्वल टू 110, और नेक्स्ट हमें एंगल दे दिया एफ विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो 110 प्लस 80 डिग्री ये तो 190 डिग्री बन रहा है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल तो 180 होता है, ये तो दो मिलके ही 190 बनाए जा रहे हैं, थर्ड तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे जस्ट हम। ठीक है, एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल, कौन सी ट्राइंगल बनानी थी हमने, डी, तो यहां पे डी भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है 110, ये है 80, और एंगल डी तो हमने फाइंड करना है। तो एंगल डी प्लस 190 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 190। अब माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो माइनस में ही आंसर आ जाएगा। तो एंगल कभी माइनस में हो सकता है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल डी ई एफ। बस यही उसने पूछा था कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, हमने बोल दिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो 10.4 है वो भी खत्म होती है। तो जो आपका होमवर्क है रोज का, ये करके जाना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी 10.5। उसके बाद हम चलेंगे पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।